हंड्रेड क्यू सीरीज का आपके पास ये 43वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंट्रीगेशन से लिया है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, जरा आप समझने की कोशिश करें। हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व को, इस नंबर को इंटीग्रेट करना है। एक बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की इक्वल है। यदि पावर इक्वल है या न्यूमिनेटर की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो पहले इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे जरा समझने की कोशिश करें। इसे हम लेट कर लें, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व। हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हैं, या डिग्री इक्वल है या न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो आप पहले डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व से, इस नंबर से आप डिवाइड करें इसको एक्स स्क्वायर को। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वन टाइम डिवाइड होगा। इस वन का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व आएगा। अब हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व। अब हम इस नंबर को एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इस आई को, इस आई को लिखेंगे यहाँ पर एक इंटीग्रेशन साइन लगाएं और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, यहाँ लिखेंगे वन प्लस ये नंबर, वन प्लस दिस अपॉन दिस नंबर, ये क्या आएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व, ये लिखा जाएगा और आपके पास यहाँ पर डी एक्स आएगा। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो तो आपके पास आई क्या हो जाएगा, आपके पास आई हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लें आप यहाँ पर, यहाँ पर वन माइनस ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व, ये नंबर हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज करें, डी एक्स आएगा, इस तरह से ले सकते हो इनको। अब ज़रा देखिए इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको पहले वन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम आई बराबर लिखें इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व डी एक्स, ये नंबर रहेगा। हम इसको आई वन मान लें, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है आई वन, और इसको हम आई टू मान लें, तब हमारे पास i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा i1 माइनस i2। ये बात ध्यान रखें आप कि i जो है वो i1 माइनस किसके बराबर है, i2 के बराबर है। लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो i1 माइनस i2 करेंगे, पहले हम i1 को इंटीग्रेट कर लें। i1 हमारे पास क्या है, i1 है हमारे पास 1 dx, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x आएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, i1, i1 हमारे पास x प्लस सी वन, यहाँ पर एक कांस्टेंट सी वन लिख सकते हैं, दिस योर आई वन। अब हम आई टू को इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, आप इसे कॉपी कर लें थोड़ा सा। अब हम आई टू को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आई टू है सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व डी एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है। ये क्वेश्चन आपके पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के हैं। देखिए यदि यहाँ पर रूट भी हो तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, लास्ट में केवल फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा। यदि यहाँ पर रूट है तो भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, यदि रूट नहीं है तो भी प्रोसीजर वही अप्लाई होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट नहीं है, ये नंबर सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व है। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को ब्रेक करेंगे, हम न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे, सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व को ब्रेक करेंगे ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, इसको डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व प्लस बी। इस न्यूमिनेटर को हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। देखिए ये ब्रेक
मैं समझता हूँ तब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि ये डिनोमिनेटर के आपके पास फैक्टर नहीं हो रहे हों। यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हों तो क्वेश्चन को आप इस तरह से न करें, तब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप लिखेंगे इसे 6x + 12 = a 2x + 6 रहेगा और ये आपके पास b रहेगा। हम 6x + 12 को इस फॉर्म में लिख पाएंगे, 6x + 12 को लिखेंगे a 2x + 6 + b। अब यहाँ से कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे वैल्यू निकालेंगे? ये हमारे पास 6x + 12 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2ax आएगा प्लस 6a आएगा प्लस b आएगा। अब आप यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 है, आप कंपेयर करिए। यहाँ पर आएगा 2a = 6, आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो और a की वैल्यू आपके पास आएगी 3, और ये कांस्टेंट वैल्यू है 6a + b, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 12 है, तो ये लिखा जाएगा 6a + b = 12। आप यहाँ पर a की वैल्यू डाल दें, a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 + b = 12 हो जाएगा। इस तरह से आप b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का 6। इस तरह से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लिख पाएंगे 6x + 12 को, 6x + 12 को लिख पाएंगे हम a, a क्या है हमारे पास 3 है, 3 2x + 6, और b हमारे पास है -6। ध्यान रखें इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस नंबर को हम इसी फॉर्मेट में रखेंगे। अब हमारे पास i2 क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, इस नंबर की जगह पर हम ये नंबर लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख लें 3 (2x + 6 - 6)। इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर दें, ध्यान रखें ये एग्जामिनर को साफ साफ दिखना चाहिए हमने क्या ब्रेक किया है। इस नंबर की जगह लिख रहे हैं हम 3 (2x + 6 - 6) अपॉन क्या आएगा नीचे, x² + 6x + 12 आएगा dx। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, इस नंबर को इसके नीचे लगा लें और इस नंबर को इसके नीचे लगा लें, तब हमारे पास i2 आएगा। देखिए इसको इसके नीचे लगाएंगे तो 3 कांस्टेंट नंबर है, ये 3 कांस्टेंट को हम बाहर कर लें, 3 इसे लिखें 2x + 6 अपॉन x² + 6x + 12, ऐसा लिखें, यहाँ dx आएगा माइनस, इस नंबर को इसके नीचे लगाएं, इसके नीचे इस नंबर को लगाएं तो ये आपके पास आएगा 6 upon x² + 6x + 12, ये dx आएगा। यहाँ पर i2 के 2 पार्ट हो चुके हैं, एक नंबर पार्ट ये है और दूसरा पार्ट आपके पास ये है। ध्यान रखें इस पार्ट को आप चाहें तो i21 लिख लें और इस पार्ट को आप i22 लिख लें, तब आपके पास i2 जो बन जाएगा वो बनेगा i21 - i22। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, ये साफ साफ बताएं एग्जामिनर को कि हम i21 हमारे पास ये है और i22 हमारे पास ये है। अब हम इसी नंबर को इंटीग्रेट करेंगे, आप इसे थोड़ा कॉपी कर लें। अब हम i21 को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास है i21, 3 हमारे पास बाहर है, ये 2x + 6 है अपॉन x² + 6x + 12 है, ये dx है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर को t मान सकते हैं। x² + 6x + 12 को आप क्या मान लें, t मान लें, t मानते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और ये 6 आएगा, ब्रैकेट dx बराबर dt आएगा। 2x + 6 dx है, इस पूरे नंबर की जगह हम dt रख सकते हैं, हमारे पास ये नंबर आएगा, 3 हमारे पास बार है, ये 1/t हो जाएगा, हमने इसको पूरा t माना था, इन दोनों की जगह हम dt ले सकते हैं तो ये dt आएगा। 1/t का इंटीग्रेशन आपको log t है तो इसे लिखेंगे log t प्लस c आएगा, t की वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पर तो आपके पास ये 3 log
एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 12 आएगा। आप यहाँ पर कांस्टेंट नंबर दे दें कोई सी टू, यह आपके पास क्या आया आई टू बनाया, ये हमारा पास आई टू बनाया, थ्री लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 12 प्लस सी टू। ध्यान रखिए ये नंबर हमने इसके नीचे लगाया था, ये पार्ट क्रिएट हुआ। इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हमेशा इस नंबर को क्या माने आप, टी माने। जब आप टी मानेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब आपके पास दूसरा पार्ट है जिसमें कांस्टेंट है ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। जब ऊपर कांस्टेंट है नीचे क्वाड्रेटिक है तब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब हम आई टू टू को इंटीग्रेट करेंगे। आई टू टू हमारे पास सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 12, ये नंबर हमें इंटीग्रेट करना है। इस तरह के क्वेश्चनों को इंटीग्रेट करने के लिए इस नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ध्यान रखें ऊपर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए तभी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। हम यहाँ सिक्स बाहर कर सकते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 12, इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है कि यहाँ पर जो एक्स का कोफिशेंट है उसका हाफ़ करें। एक्स का कोफिशेंट यहाँ पर सिक्स है, सिक्स का हाफ करेंगे तो थ्री आएगा, उसका स्क्वायर करें, उतना ही ऐड करें और उतना ही सेपरेट करें। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, थ्री आएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, नाइन ही हम ऐड करेंगे बाद में सेपरेट करेंगे, प्लस कितना आएगा ट्वेल्व आएगा। इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इसका रूट एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, ये वाला साइन यहाँ जो भी साइन है प्लस या माइनस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, और इसका रूट थ्री, ये होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास थ्री बचेगा। इस तरह से आप आई टू टू को लिख सकते हो, सिक्स बाहर कर दें आप, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का क्या लिखें इसको होल स्क्वायर प्लस इस थ्री को लिख सकते हो आप रूट थ्री का होल स्क्वायर, आप इसे लिखें रूट थ्री का होल स्क्वायर, और ये आपके पास डी एक्स रहेगा। इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करेंगे, हम इसे अप्लाई करेंगे तो लिख पाएंगे इसको आई टू टू, ये हमारे पास सिक्स बार है, यहाँ लिखेंगे वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, ए क्या आपके पास रूट थ्री है, ये आपके पास टेन इनवर्स है एक्स, एक्स आपके पास एक्स प्लस थ्री है, यहाँ पर एक्स प्लस थ्री आएगा अपॉन ए, ए आपके पास रूट थ्री है, इसे ले सकते हैं हम और अच्छी तरह से आई टू टू सिक्स अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा टू रूट थ्री, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे और यह आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट थ्री, आप इसे थोड़ा ब्रैकेट में लिख लें, इस तरह से लिखना तो अच्छा रहेगा। और आप यहाँ पर कोई कांस्टेंट नाम दे दें, दिस इज़ द सी थ्री मान लेता हूँ। हमने आई टू टू को इंटीग्रेट कर लिया है, हमने आई टू वन को भी इंटीग्रेट कर लिया है, फाइनली हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका फाइनली आंसर होगा आई हमारे पास था आई वन माइनस आई टू, आई हमारे पास होगा आई वन माइनस आई टू, हमारे पास था आई टू वन एंड ये आई टू टू था हमारे पास, आई इक्वल टू हमारे पास हुआ आई माइनस आई टू वन प्लस आई टू टू, ये हमारे पास फाइनली आंसर होगा। आई हमारे पास क्या था, ये आई वन था, सॉरी आई हमारे पास था एक्स माइनस आई टू वन क्या था, ये था थ्री लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व था प्लस आई टू हमारे पास ये नंबर है टू अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट थ्री, ये सबको इंटीग्रेट कर लिया है, लास्ट में जाके कॉन्स्टेंट लगा देंगे, दिस इज द प्लस सी, ये फाइनली आंसर लिखा जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग पार्ट को अच्छी तरह से एग्जामिनर को बताएं करके और लास्ट में फाइनल आंसर लिखें, दिस योर आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कंप्लीट कर सकते हो।
इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए।